दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ऐप फाइंडर डोंगल के बारे में कि ऐप फाइंडर डोंगल जो है वो एक हार्डवेयर डोंगल है, यानी कि अगर आपको हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है तो आप इस डोंगल को लेकर के आप जो है हार्डवेयर सीख सकते हैं। इसमें आप सभी मोबाइल का जो है आईफोन, Xiaomi, सैमसंग, ठीक है, ओप्पो, ये सब मोबाइल का जो है हार्डवेयर का पूरा सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। इस डोंगल के अंदर में कोई भी फॉल्ट आपके मोबाइल में है ये डोंगल आपको बता देगा कि आपके मोबाइल में कौन सा फॉल्ट है, उसे कैसे आपको रिपेयर करना है। तो दोस्तों ये डोंगल पहले जो लोग खरीद चुके हैं उनका डोंगल अगर अभी काम नहीं कर रहा है तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि डोंगल जो कंपनी ने बंद कर दिया है। अब डोंगल का जो है नया एक्टिवेशन कोड आया हुआ है, अगर आपने डोंगल पहले से ले लिया है आपका डोंगल काम नहीं कर रहा है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप नया डोंगल खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी नया डोंगल आपको मिलेगा नहीं, इसके बदले में अभी जो है एक्टिवेशन कोड मिलेगा और एक्टिवेशन कोड खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट xmannan24.com पर जा सकते हैं, वहां पे इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको एक्टिवेशन कोड मिलेगा और टूल में डाल के आप इसे जो है एक्टिवेट कर सकते हैं और इस डोंगल को यूज कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मन्नान यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ऐप फाइंडर डोंगल के बारे में। ऐप फाइंडर डोंगल क्या है इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, ऐप फाइंडर डोंगल का फीचर क्या है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं और जो लोग ऑलरेडी पहले से ऐप फाइंडर डोंगल ले चुके हैं, ठीक है, अब उनका डोंगल काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, उनके बारे में आपको बताने वाला हूं और जो लोग ऐप फाइंडर डोंगल अब लेना चाहते हैं तो उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी का जो सिस्टम है वो क्या सिस्टम चल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ऐप फाइंडर डोंगल क्या चीज है, किस काम के लिए है। तो मैं आपको बता दूं ऐप फाइंडर डोंगल जो है वो आपका हार्डवेयर के लिए है। हार्डवेयर यानी कि अगर आपको हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है तो आप हार्डवेयर इससे सीख सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से, जैसे कि मान लीजिए ऐप फाइंडर डोंगल का जो टूल है उसे आप ओपन करेंगे ऑनलाइन और उसमें जो भी मॉडल नंबर आप सिलेक्ट करेंगे ओप्पो का, ठीक है, Xiaomi का, उसके बाद सैमसंग का, आईफोन का, ठीक है, तो जो भी आपके पास मॉडल है वो मॉडल नंबर आप वहाँ पे जो है टाइप करेंगे, ठीक है, वो मॉडल नंबर टाइप करेंगे और उसमें उस मॉडल में आपका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मान के चलिए आपका स्पीकर खराब है या चार्जिंग कनेक्शन में जो चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप वहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका आपको जो जवाब मिल जाएगा वहाँ पे फाइनल डोंगल में डायग्राम आपको वहाँ दिखाई देगा कि किस तरह से मतलब इस फॉल्ट का जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए चार्जिंग सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं हो रहा है, तो उसका क्या क्या फॉल्ट हो सकता है वो चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें जो आप ओप्पो के मोबाइल का, सैमसंग के मोबाइल का, ठीक है, आईफोन का, ये सब का जो है सभी मॉडल का जो है डायग्राम उसमें देख सकते हैं आसानी से। यानी अगर आपको हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है तो आप उससे हार्डवेयर सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है, एक तरह का डायग्राम आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आप समझ में आ गया होगा आपको ऐप फाइंडर डोंगल क्या चीज है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग ऐप फाइंडर डोंगल ले चुके हैं पहले से, ठीक है, और उनका डोंगल अब काम नहीं कर रहा है पुराने टूल पर, ठीक है, तो पुराने वाले टूल पर काम नहीं कर रहा है और नया वाले टूल में भी उसका डोंगल अब काम नहीं कर रहा है। उसका रीजन ये है कि आपने जिस रीसेलर से उस डोंगल को लिया होगा, ठीक है, तो उस रीसेलर से आप कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है, उस रीसेलर से आपको कॉन्टेक्ट करना होगा। मान के चलिए आपने हमसे लिया, ठीक है, तो आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना होगा और जो डोंगल आपको दिए हैं हम उसका सीरियल नंबर आपको बताना होगा और फिर उस सीरियल नंबर का जो है एक्टिवेशन कोड हम जो यहाँ से रजिस्टर करवा के आपको देंगे, फिर वो एक्टिवेशन कोड आप ऐप फाइंडर डोंगल के जो लेटेस्ट टूल है उस टूल में जब डालेंगे तो फिर वो टूल वर्क करेगा, ठीक है। और जिन लोगों को अभी ऐप फाइंडर डोंगल नया लेना है तो मैं उनको बता दूं कि अभी जो है डोंगल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे आप डोंगल देख रहे हैं ऐप फाइंडर डोंगल है, ये डोंगल अब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लेना भी चाहेंगे, ले भी लेंगे तो काम नहीं करेगा क्योंकि आप जो लोग इस डोंगल को ले चुका है उसके लिए अलग से कोड लेना होगा रिसेलर से, ठीक है, और ये डोंगल अब आपको लेना नहीं है। आप डायरेक्टली जो एक्टिवेशन कोड आता है वो कोड आपको लेना है, वो कोड टूल में डालेंगे और फाइंडर टूल काम करेगा, ठीक है। तो उस कोड का एक्टिवेशन हमारी वेबसाइट पर भी है, आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं या कहीं और से भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐप फाइंडर का जो है सेटअप अभी नया वाला जो है कैसे डाउनलोड करना है आपको, ठीक है, और किस तरह से उसको आपको रजिस्टर करना है उसके बारे में आपको भी बताने वाला हूँ, ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर पे। दोस्तों आप सामने यहाँ जो डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो है ऐप फाइंडर टूल का सेटअप है, तो ये जो सेटअप है आपका विदाउट डोंगल काम करेगा, इसमें डोंगल की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड करना है और इसे इस तरह से इंस्टॉल करना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसका जो डाउनलोड लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।
तो इसे तो डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली ये टूल ओपन होगा और उसमें कोई भी डोंगल नहीं मांगेगा, क्योंकि नया वाला जो ये टूल है इसमें कोई डंगल की जरूरत नहीं है। पहले का जो पुराना वाला टूल होता था उसमें डोंगल की जरूरत पड़ती थी, जब तक आप डोंगल नहीं लगाएंगे तो ये टूल ओपन नहीं होता था। अभी इस टूल में जो है डोंगल की मांग नहीं है, इस टूल को जैसे ओपन करेंगे तो ये डायरेक्टली एक्टिवेशन कोड पूछेगा, ठीक है। एक्टिवेशन कोड जो है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा, वहां से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका डोंगल का प्राइस है उसी प्राइस में, उससे कम प्राइस में आपको वेबसाइट पर जो है x124.com पर उसका जो है रजिस्ट्रेशन कोड मिल जाएगा। सिंपल सा है, इस टूल को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। आप यहाँ पे देखते हैं एक्टिवेशन कोड पूछ रहा है, यहाँ पे एक्टिवेशन कोड डालना है, उसके बाद क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली सेकंड में ही ये आपका जो है रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें जो है इसे यूज कर सकते हैं। जो भी मोबाइल का मॉडल नंबर है आपका, जो भी आईफोन सेलेक्ट करें, सैमसंग सेलेक्ट करें, ये ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। ओप्पो सेलेक्ट करें, जो भी कंपनी आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ पे उसका मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है। मॉडल नंबर सेलेक्ट करने के बाद उसमें फॉल्ट सेलेक्ट करना है कि आपके जो है मोबाइल में क्या फॉल्ट है, स्पीकर का प्रॉब्लम है, चार्जिंग का प्रॉब्लम है, या कोई आईसी का प्रॉब्लम है, डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन है इस डोंगल के अंदर में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप किसी लामा वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।